रहीम, आज हम फिजिक्स क्लास 9th में चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, इन अ हाइड्रोलिक प्रेस द एरिया ऑफ द लोड पिस्टन इज 4 टाइम्स देन द एरिया ऑफ द एफर्ट पिस्टन। अब इसमें क्या है कि इन अ हाइड्रोलिक प्रेस में द एरिया ऑफ द लोड पिस्टन जो है ना 4 टाइम्स द एरिया ऑफ एफर्ट पिस्टन से ज़्यादा है। हाउ मच लोड कैन बी लिफ्ट विद इट बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ अ 200 न्यूटन ऑन एफर्ट पिस्टन। आपके पास इसमें फोर्स दी हुई है और दूसरा आपके पास एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ लोड पिस्टन। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ एफर्ट पिस्टन। अब एरिया ऑफ एफर्ट पिस्टन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? A1 की इक्वल। इसी तरह से एरिया ऑफ अ लोडेड पिस्टन इसको आप A2 लिख लें और ये 4 टाइम एफर्ट पिस्टन की 4 टाइम जो है ना ग्रेटर है। अब इसके बाद फोर्स एफर्ट ऑन अ पिस्टन इसको हम लिखेंगे, पिस्टन वाले एफर्ट आना पिस्टन इसको हम F1 लिखेंगे। F1 हमारे पास है 200 न्यूटन। अब आपने F2 निकाल लिया। सबसे पहले इसमें गिवन डेटा हम लिखेंगे एरिया ऑफ एफर्ट पिस्टन, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ना कि द एरिया ऑफ द लोड पिस्टन इज 4 टाइम द एरिया ऑफ अ एफर्ट पिस्टन। सबसे पहले हम एरिया ऑफ एफर्ट पिस्टन लिखेंगे A1, फिर उसके बाद एरिया ऑफ लोड पिस्टन, एरिया ऑफ लोड पिस्टन दिया हुआ है 4 टाइम्स द एरिया ऑफ। अब ये देखेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर एफर्ट वाला ये पिस्टन A1 से लिखा हुआ, इसी तरह से हम इसकी फोर्स को भी क्या लिखेंगे, एफर्ट पिस्टन की फोर्स को F1 लिखेंगे और F2 हमने निकालना है। अब F2 का हमारे पास फार्मूला होता है F1 A2 बाय A1। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, F1 200 मल्टीप्लाई 4 A1 बाय A1, A11 कैंसिल हो गया, 200 मल्टीप्लाई 4 तो ये हमारे पास 800 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, एन ऑब्जेक्ट इज फुली इमर्स्ड इन वाटर, द एक्चुअली वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 300 न्यूटन, इट्स वेट बिकम 250 न्यूटन व्हेन यू मस्ट कैलकुलेट द अप थ्रस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। अब इसमें दो डेटा दिए हैं आपके पास, एक W1 और एक W2। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डेटा, W1 आपके पास है 300 न्यूटन, W2 आपके पास है, अब W निकालने के लिए W1 माइनस W2, W1 है हमारे पास 300 माइनस 250 न्यूटन। अब इसी तरह से अब आपने अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल वेट डिस्प्लेस इज इक्वल टू अप थ्रस्ट के इक्वल होता है। इट मीन्स कि अब इसमें आपके पास सबसे पहले आप लिखने पे टू फाइंड आपने क्या करना है, अप थ्रस्ट टू फाइंड आपके पास था कि मास और वॉल्यूम। अब मास के लिए हम क्या यूज करेंगे, W इज इक्वल टू mg, यहाँ से फर्स्ट पार्ट के लिए ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड, m इज इक्वल टू W बाई जी, W हमारे पास 50 और जी कांस्टेंट है हमारे पास 10, 5 m, ये हमारे पास आगे 5 kg। अब इसी तरह से सेकंड वन का मालूम करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम किस चीज़ के इक्वल होता है, m बाय रो। रो डेंसिटी ये भी कांस्टेंट है। अब इसमें
मैथ्स तो आपके पास आ गया है। फिफ्टी इसको रो 1000 से डिवाइड कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब इसमें v इज इक्वल टू एम बाई पी, एम हमारे पास 5 है, 5 पाई 1000 तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये देखें अब इसके साथ इसकी यूनिट भी लिख लेंगे। अब 5 × 10⁻³ एम क्यूब आ गया। अब इसको ज़रा दोबारा देख लें। सबसे पहले इसमें हमारे पास था एन ऑब्जेक्ट इज फुली इमर्ज इन वाटर, द एक्चुअल वेट ऑफ द 300 N। ये आपके पास W1 और ये W2, W निकालने के लिए W1 - W2 कर लिया तो ये 50 N आ गए। टू फाइंड एक तो इसे आप थ्रस्ट आती ऑब्जेक्ट, यानी कि एक आपने मैस फाइंड आउट करना है और दूसरा वॉल्यूम। मैस का जो फार्मूला W = mg से m = W/g, यहाँ से mg 5 kg आ गया। सेकेंड वन पे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए m बाय रो, m हमारे पास 5 है और रो हमारे पास कांस्टेंट 1000। अब 5 तो इसमें 1000 को हम लिख सकते हैं 10³, तो ये -3 हो जाएगा ऊपर जाके। अगर आप एक स्टेप और करना चाहते हैं तो y = 5 × 10³, 3 0 है ना, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर अगर आपको समझ नहीं आई, वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 × 10³ और साथ ही यूनिट m³। ये आंसर है।